नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट प्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। जैसे कि 2 अक्टूबर को प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक की पानी की बॉटल जो कि जिसका दाम सिर्फ 20 रुपये है, अगर उसे भी बैन कर दिया जाएगा तो जो ये व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिसी के चलते हम इस समय सेक्टर 22 की मार्केट में हैं और इसी के चलते हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक व्यापारी जुड़े हुए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम बच्चे सिंह है, मैं कैश ऑन टू में काम करता हूँ। तो जो प्लास्टिक के डब्बे हैं उनमें मतलब बड़ी परेशानी हो रही है खाना पैक करने में। कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ दे रहे हैं कोई लीक हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, तो मतलब परेशानी हो रही है। प्लास्टिक पर अगर बैन करेंगे फिर तो नुकसान ही नुकसान है। जो सरकार ने फैसला लिया है, आपके हिसाब से फैसला व्यापारियों के लिए गलत है या गलत है? बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक अगर बैन है इसके बदले कोई दूसरी चीज़ निकालो। हाँ, कैरी बैग देखो, 400 रुपये वाला कैरी बैग यूज़ कर रहे हैं, उसे भी नुकसान ही है। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं कैश 22 में बेकरी का काम है हमारा। तो अब बात प्लास्टिक पे हो रही है, तो बात ऐसे है कि प्लास्टिक अगर बैन हो जाएगा तो सामान किसके किस में डाल के देंगे? ठीक है जी, अब ये पानी की बोतलें हैं, जूसेस हैं, मतलब हर चीज़ है, तो इनको ये प्लास्टिक इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता ना हमारा, क्योंकि किसी ने बिस्कुट लेना है, किसी ने कोई भी सामान लेना, थैले के बिना तो आज तो कपड़े का थैला तो है ही नहीं। अब ये चल रहा है तो इनके साथ तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो होएगी ना। तो पानी की बोतल कोई मांग लेगा तो पानी किस में देंगे किसी को? बोतल का तो बोतल तो पानी की चाहिए ना किसी को, जो कहीं भी मतलब रूट पे भी जाता, कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहा, कहीं जा रहा, उनको पानी की तो चाहिए बोतल। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं उसका तो फिर ये है ना कि अब किस में लेके जाओगे? अगर पॉलीथिन बैन हो जाएगा तो कैसे आप सब्जी लेने भी जाओगे तो सब्जी किस में लेके आओगे आप? जैसे कि हार्ड चीजों की बात की जाए तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैले में भी लाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि तरल पदार्थ है, जी जी जी, हाँ जी 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 जी, हाँ, कोई दाल हो गई, हाँ जी, हाँ जी, या फिर हम बात करें पानी की, कोई जूस वगैरह, जी जूस, दूध हो गया, लस्सी हो गया, हाँ जी, हाँ जी, वो तो अब कांच की बोतलों में तो नहीं आ सकता ना। अब मान लो कि कांच की बोतलें लेने भी लग जाएगा कहीं टूट जाएगी, ठीक है जी, वही मतलब एक ही डाल देते हैं सारे, हर चीज़ में एक डाल देते हैं, कोई पशु भी खा लेते हैं उनको तो। मैं सुरेंद्र कुमार जैन यहाँ पे अपना माल लगाता हूँ। अगर ये प्लास्टिक बंद करते हो आप तो उसके अंदर हमारे सारे पीस खराब हो जाएंगे। ये जैसे देखो प्लास्टिक हल्की होती है, यहाँ पर निशान पड़ जाएंगे सारे, हाथ लगाते हैं तब भी निशान पड़ जाते हैं। अगर प्लास्टिक की पन्नी नहीं होगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसकी पैकिंग खराब हो जाएगी, सारे मुस जाएंगे ऐसे कर करके, पैकिंग का मतलब सीधे रहते हैं ये। अब या पैकिंग ना हो तो कोई चीज़ और चलनी चाहिए जो गवर्नमेंट को चाहिए भाई, जिसमें कपड़ा ख़राब ना हो, निशान ना पड़े, डब्बे ना पड़े। अगर डब्बा पड़ गया थोड़ा सा कोई नहीं लेगा उसको। मैडम करना तो अच्छी बात है इसमें जो कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है बिल्कुल ठीक है, जैसे कोई ढाबे वाला हो गया, कोई जूस वाला हो गया, अगर कोई वहाँ पे लेने जाता है उनसे तो उसको किस में डाल के देंगे? सरकार को चाहिए कि हाँ भाई कुछ इसका निकालें रीजन, हाँ भाई इस चीज़ के लिए। बाकी कंपनी बंद हो जाएंगी सारी, कुछ कर लेंगे वो कुछ पेपर बैग में या कुछ ही पैकिंग करके देंगे, लेकिन लिक्विड चीज़ें हैं ठीक है ना, वो किस में दुकानदार पैक करके देगा? कस्टमर कोई अपने घर से कुछ लेके नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए सरकार को कुछ चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि ये चीज़ें जो छोटे व्यापारी हैं, जो ढाबे वाले हैं, जूस वाले हैं, कोई और हैं जैसे ऐसे लिक्विड वाले, ठीक है, उनके लिए कुछ सिचुएशन निकालना चाहिए कि हाँ भी उनके लिए कोई फ़ायदा हो चीज़ के लिए, या कोई ऐसा पॉलिथीन निकालें ठीक है जो नष्ट हो जाए बिल्कुल ही, ठीक है ना, रहे ना। जैसे हमारे ये पॉलिथीन आते हैं नष्ट नहीं होते, कितने साल तक ज़मीन में दबा दो कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो सरकार को कुछ ऐसी मटेरियल निकालना चाहिए कि जो लिक्विड चीज़ें हैं उसमें डाल के वो दे सकें कस्टमर को। तो मतलब पहले लोग शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षित हैं, इस कारण जो है जागरूकता आ चुकी है लोगों को। अब प्लास्टिक बैन पे हम कह रहे हैं कि आप घर से थैला लेकर जाओ, आपके घर में पैंटें हैं, पुरानी पैंटें हैं, आपको सिलाई करनी नहीं आती, बार दर्जी बैठा है उससे सिलवा लो। अब हम जितने दुकानदार जो फड़ी लगाते हैं, मैं भी एक फड़ी वाला ही हूँ, तो ये तो 2 अक्टूबर को बैन होना है, हमने उससे पहले ही कागज़ के लिफाफे चालू कर दिए, और इवन कि मेरे पास घर पे रद्दी आती है, मतलब पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर आता है, हिंदी का आता है, उसको मैगजीन्स भी आती हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा भी ये किलो के भाव बेचने क्या फ़ायदा है इसको मैं लिफाफे बनाओ। वो कहते हैं हमें आते नहीं, मैं कहा मुझे आते हैं, मैं बताता हूँ। मैं कहा ऐसे आटा लो, ले भी इसका बनाना, पानी में अच्छे घोलना है और अच्छा पानी डालना है और इसमें मतलब बाउल कर देना। अगर मुझे जरूरत है कि मैंने ढाबे से कुछ
चीज़ लेनी है खाने का, मेरा मन आज घर का नहीं है, तो मैं घर से अपना कोई बर्तन लेकर जाऊँ, बाउल लेकर जाऊँ, पहले भी लोग लेकर जाते थे। बहुत अच्छी बात है, बैन कर दें, हम तो बहुत ज़्यादा दुनिया सुखी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, क्योंकि जो लोगों के नाले बंद होते हैं ना, वो नहीं बंद होंगे, नालों में जो ना पानी अच्छी तरह चल जाएगा, गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, हम तो बंद कर दो और कोई ऐसा चलाओ जो रिसलिंग हो जाए, बस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे पानी की बोतल पहले बहुत ऐसे डाल देते थे, पानी पिया डाल दी, और अब जो ना उसकी रिसलिंग आ रही है तो वो जल ठीक है, अच्छी बात हो गई है, पहले उसकी रिसलिंग नहीं थी, वो भी पानी जाकर नालों में बंद कर देती थी, ऐसे ही लिफाफे बना दें, नुकसान बहुत है। लिफाफा एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें जो ना खाना वाना में थोड़ा बहुत डाल देते हैं, वो गऊँ उसको खाती हैं, जितने पशु हैं उसको खा लेते हैं, और उनका दूध पियोगे ना आप, उसमें ऐसा होता है जैसे जहर ही आ रहा है, तो हाँ फिर उससे कैंसर की बीमारी चल रही है, उसी में लोग जो ना खाना पैक करवा कर ले जाते हैं, तो वो क्या बीमारी होंगे, ये बीमारियाँ क्यों फैल रही है, इसलिए फैल रही हैं। अल्टरनेटिव ये है कि भाई उसकी भी कोई ऐसी आइटम बनाए जो रिसलिंग भी हो जाए और काम दोबारा से काम आ जाए और खाना भी उसमें ठीक रहे। अब ये तो नहीं भी लिफाफा में खाना जाना किसी भी चले जाओ लिफाफे में खाना डाल दिया खाया और फेंक दे, वो जाम ही होगा, वो क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बैन हो रहा है, प्लास्टिक वैसे भी नुकसान है हमारे पब्लिक को भी और जीव जंतु जितनी भी जानवर को भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो ये बच्चों के आइटम है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, चिप्स कुरकरे, ये भी तो प्लास्टिक में है, तो ये क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, इनको भी बंद होना चाहिए, हमें ही क्यों, हमारा ये प्लास्टिक का मानो खिलौना है, मैं हाथ में दूंगा उनको, या शूज़ है मेरे, मैं हाथ में दूंगा उनको। कंपनियों को भी तो बैन होना चाहिए, प्लास्टिक सारी बंद होनी चाहिए ना, जो ये बच्चों के कुरकुरे चिप्स इनमें भी प्लास्टिक है, इनको भी कदों को कुछ ऐसी चीज़ में हो पैकिंग की जो एकदम लिसिंग हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छी बात है बैन हो जाए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है चिप्स कुरकुरे जो उसमें बच्चों की आइटम आती है, बड़ी बड़ा ब्रांड है, तो ये भी बंद होने चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं बिहार से हूँ। हाँ, प्लास्टिक के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, अगर एक बैग प्लास्टिक बंद होएगा तो हम जितने लोग व्यापार से जुड़े हैं उन लोगों का एक बैग बहुत घाटा होएगा, इसलिए सरकार को पहले इसका अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर बंद होता है तो सर इसका अल्टरनेट क्या है, हैं बंद हो जाएगा एक बैग तो डब्बे में जो चीज़ पैकिंग करके दिया जाता है तो किस चीज़ में दिया जाएगा, तो इसका अल्टरनेट सरकार व्यवस्था करके फिर बंद कर दे, ये तो अच्छा बात है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेट व्यवस्था करके बंद करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।